हिमालय की वैलीज में बने सारे हिल स्टेशनों में से मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है मैक्लोडगंज, क्योंकि यहाँ मिक्स हुआ है टिबेटियन कल्चर, जिसका नतीजा है ये सुंदर मंदिर और यहाँ का खाना। तो इस वीडियो में हम आपको ट्रांसपोर्टेशन, होटल और कुछ अच्छे फूड जॉइंट्स के बारे में बताएंगे। इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला के पास है मैक्लोडगंज। यहाँ पर पहुँचने का सबसे तेज तरीका है दिल्ली टू कांगड़ा की फ्लाइट और फिर कैब से मैक्लोडगंज, या फिर दिल्ली से सेमी स्लीपर बस और ट्रेन से आप सबसे पास पठानकोट या चंडीगढ़ तक आ सकते हैं। क्योंकि हमने ट्रिप जुलाई के फर्स्ट वीक में प्लान किया था, तो लैंडस्लाइड के डर की वजह से हमने बस कैंसिल करवाकर फ्लाइट्स की। एक बात ध्यान रखने की है कि धर्मशाला के लिए सारी फ्लाइट सिर्फ सुबह होती है। पानी कम चाय, रेगुलर पत्ती, अदरक डाल के सुबह डाल। इसलिए एक दिन के लिए हमने किया इबिस, जो एरोसिटी में ही है और बजट होटल है। वहां से हम गए जेमीज इटालियन, एम्बियंस वसंत कुंज और सुबह आ गए कांगड़ा। पहला हिमाचल टूर अपना, क्यों देख के चलना कांटे हैं। सात लोग इनके जैसे, दो तीन तो मिल गए हैं मुझे। सबका कहना है कि मिल, लेकिन अमीर लोग हैं। अनुराग ठाकुर जी से मिलती है। इस बार हम ये सोच कर आए थे कि हर दिन अलग होटल में रहेंगे, कैफेज एक्सप्लोर करेंगे और खूब आराम करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट होटल ITC फॉर्चून मोक्षा, जिसमें बहुत स्पेशियस सी बालकनी है माउंटेन व्यू के साथ। तो ये है हमारा पहला दिन मैक्लोड में, और पहले दिन हम लोग सिर्फ सोते हैं और टहलते हैं और ठूंसते हैं। हम टहल टहल के एनालाइज करते कि आखिर मतलब जहाँ हम गए हैं वहाँ पे है क्या बेसिकली। तो आइए देखते हैं आज क्या मिलता है हमें। अब हमें लोकली घूमने के लिए एक टू व्हीलर चाहिए था, इसके लिए हमने ये स्कूटर रेंट पर लिया है, जस्ट 600 रुपीज पर डे। यहाँ पर आपको रेट्स के ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, चाहे वो कैब का हो या बाइक का। अब हम आ गए हैं कलिमपोंग रेस्टोरेंट, जिसकी डाइनिंग छोटी सी है बट बहुत ही डिफरेंट वाइब है अंदर की। और हमने जो ऑर्डर किया है वो है टोफू थुपका विद जिंजर लेमन टी एंड मोमोज। जब मैं तुमसे कह रही थी चलो चलो, तो बारिश कम हो रही थी, पर 4 घंटा तैयार हो रहे थे तो ये कर रहे हैं। ये है हमारा मैक्लोड का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। सुबह सुबह मौसम खुला मिला था और शाम के एक घमासान बारिश। अब हम लोग भी स्टैंडर्ड हैं, बीच में 8 किलोमीटर जाना है। मैंने 200 रुपये का इनपुट पहना है, इसने 100 रुपये का। क्या आप अंतर बता सकते हैं? सो दिस इज डे टू और दिन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सी कि मेन्यू में क्या क्या है, तो वरना तुम्हें इतनी जल्दी घंटा नहीं लगती। तो क्या मैं चुड़ैल जैसी दिख रही हूँ? नहीं, पहाड़ों का नाश्ता करती हुई दिख रही हो तुम। एक चुड़ैल पहाड़ों का नाश्ता करती हुई, बढ़िया चल रहा है। और ये पीछे ये सारा पूरा हमारा स्टिल है। सुबह तक यहाँ पर धूप थी और अब एकदम कोहरा आ गया है। इनफैक्ट बादल उतर आए हैं। अब देखते हैं कि रेनकोट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ITC से ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं द हॉस्लर मॉल रोड मैक्लोडगंज के लिए, जो कि हमारा बजट स्टे है। सिर्फ 3,000 में हमको अपना प्राइवेट रूम मिल गया। तो, मतलब डॉर्मेट्री टाइप ऑफ यू नो स्टे की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये हमारा बजट स्टे है और बजट स्टे विद व्यू। पर हॉस्टलर में रहने का ये फायदा हुआ कि यहाँ के गेस्ट से बातचीत करके हमको पता चला अबाउट धर्मकोट, जो कि इजरायली विलेज है। और यहाँ जाना आसान नहीं है,
स्पेशली इन रेनी सीजन। यहाँ आप सिर्फ बाइक या स्कूटी से ही जा सकते हैं, वो भी बहुत ही स्टीप और सकरी गलियों से। अदरवाइज पैदल वॉक करने का ऑप्शन भी है, अच्छी खासी ट्रैक हो जाएगी। तो अब आ गए हैं धर्मकोट ल्हासा कैफ़े। अच्छा, एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि भले ही कैफ़ेज छोटे से बने हों, सिंपल खाना दे रहे हों, बट वॉशरूम एकदम क्लीन होता है। नॉट मॉडर्न बट क्लीन। और हमने ऑर्डर किया है अगेन थुपका एंड मोमोज, क्योंकि मेरा तो दिल आ गया थुपके पे। हाउएवर यहाँ का थुपका थोड़ा सा ब्लैंड लगा इन कंपैरिजन टू जो थुपका मैंने कलिमपोंग में खाया था। मोमोज भी ओकेश हैं। हम वापस हॉस्लर आ गए हैं, थोड़ा चिल किया हॉस्लर के कैफ़े में। मौसम बहुत ही अमेजिंग हो रहा है, हॉट चॉकलेट और ये व्यू। और ये है हमारा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द ट्रिप, एक और मंदारा होटल का स्टे। मेरा सबसे बड़ा टेंशन यही था कि क्या रियलिटी में ये इतना सुंदर है जितना पिक्चर्स में दिख रहा है, एंड नो डाउट उम्मीद से ज़्यादा ही मिला। ये हम लोग के मैक्लोडगंज का सबसे अल्टीमेट स्टे है। मतलब मैं घुसते साथ ही इतना खुश हो गया हूँ कि महिमा की जगह मैं कर रहा हूँ इसका। ओके, खुली ऑटोमेटिक ठीक है। सबसे पहले व्यू, बाकी सब ठीक है। लकड़ी, बिस्तर, और ये देखिए आप सुबह उठते साथ ही वो धर्मशाला, और ये धर्मशाला का लोअर व्यू है, और जिसके लिए हम लोगों ने लिया है ये मसाज का वो। Cheers. हर्ष का फेवरेट कुजीन है इटालियन, एंड ये बात हमारे फ्रेंड्स को पता है। सो वन ऑफ देम सजेस्टेड अस मॉर्गन्स प्लेस इन धर्मकोट। गौरव जैन के कहने पे मॉर्गन प्लेस का रास्ता है। दिस इज सरियल, दिस इज सो प्रीटी, ब्यूटीफुल। गौरव की पसंद की दाद देना पड़ेगा एटलीस्ट, लाइक एंबियंस वाइज इट्स ब्यूटीफुल। खाने का देखते हैं। धर्मकोट से निकल के हम जा रहे हैं अब मैक्लोडगंज किसी और अलग से कैफ़े की तलाश में। हमने स्कूटी पार्क की और टहलने लगे। हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पे किस कैफ़े में जाके बैठेंगे, और अचानक से जिस कैफ़े को हमने पीछे छोड़ दिया था उसके अंदर से आती हुई गिटार की आवाज़ ने हमें अपनी तरफ मोड़ लिया। अंदर वॉल पेंटिंग वगैरह हो रही थी और म्यूज़िक बैंड अपनी परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन में लगे थे। जब हम यहाँ आए थे तो ये काफ़ी खाली खाली था। धीरे धीरे कैफ़े में बैठने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। खाना भी काफ़ी अच्छा था इस कैफ़े का, बट हमको मैक्लोडगंज से धर्मशाला आना था इसलिए जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। और अब बहुत दुख हो रहा है इस प्रॉपर्टी को छोड़ते हुए, क्योंकि यार हमने दूसरे दिन भी ट्राई किया इसको लेने का, बट जस्ट 5-6 मिनट का टाइम था और बुक हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं टोटली कौन सा होटल होगा, ये तीसरा था चौथा, और लोग पांचवे होटल जा रहे हैं अपनी ट्रिप के। सो हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट अ बर्डिंग। तो वो है पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे इंदुनाग, यहाँ से दिखता है वो पीछे को। अब हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। ये हमारा लास्ट स्टे इन धर्मशाला, जस्ट अ बर्डिंग। ये भी 5-6K है पर नाइट। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे है और खाना भी टेस्टी है, बट आई वुड सजेस्ट कि नॉर्थ इंडियन कुजीन ही प्रेफर करें यहाँ के सारे होटल्स में। और आपको कोई भी दूसरी कुजीन ट्राई करनी हो, बीट एशियन और इटालियन, तो प्लीज़ कैफ़ेज़ में ही ट्राई करें।
हम लोग इन्हीं स्टीप और सकरी गलियों में घूम रहे थे जब हमको राकूस प्लेस कैफे मिला था। तो हमने सोचा कि थोड़ा और ऊपर स्कूटी ले चलते हैं। मुझे तो सच्ची बता रही हूँ थोड़ा डर लग रहा था, बट आई मस्ट से कि मैंने हर्ष को बहुत बार थैंक यू बोला कि वो ज़िद करके यहाँ ऊपर ले आया। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस कैफ़े में कि बस यहीं रह जाऊँ ऐसा लग रहा था, बट सैडली ऐसा नहीं कर सकते थे। यार यहाँ पे हलवा बना है यार, सूजी का हलवा। तो इस कर्मा कैफे के साथ हमारी जर्नी ख़त्म होती है और हम जा रहे हैं वापस होटल। ये गाड़ी भी वापस करनी है, डिक्की में पानी ना चला गया हूँ। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो पहाड़ों में से काफ़ी नाचने गाने की, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। आपको पता है ऐसे क्यों है? क्योंकि आज दलाई लामा का बर्थडे है। तो ये है अनिल भाई जी और हम लोग बस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली अनिल भाई जी ने हमको पूरे 5-6 दिन एकदम नॉन स्टॉप असिस्टेंस दी है हर चीज़ में, कि हम लोग को अगर जैसे टू व्हीलर भी रेंट करना था तो भी इनने एक बार में कॉन्टैक्ट वगैरह दिया। और बाकी यहाँ पर बारिश का बहुत ज़्यादा लफड़ा है, बारिश कभी भी चालू हो जाती है, तो एक गाड़ी भी हम लोग को, मतलब मैं तो प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर आप छोटी से छोटी 4-व्हीलर करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहती है मूवमेंट के हिसाब से, जल्दी आप कहीं पर भी पहुँच जाओगे। तो ये है अनिल भाई जी। अनिल भाई जी आया कर दो। हेलो। तो प्लीज़ मैं इनका कॉन्टैक्ट शेयर करूँगा इसमें, आप लोग आएँ। एकदम नॉमिनल रेट्स की तो कोई बात ही नहीं होगी, और वैसे तो मैं इस रेट के हिसाब से तो पूरे मैक्लॉयडगंज की तारीफ़ करूँगा कि यहाँ पर कोई भी जो भी ड्राइवर एसोसिएशन है कोई भी ऊपर नीचे नहीं करता है, सब लोग अपनी बात कर रहे हैं, सब लोग एक सही रेट मांगेंगे आपसे और काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। सब लोग वाह वाह करो, अच्छे से करो, हिल हिल के। हाँ नीचे नहीं आ रहे ना तुम लोग हमको छोड़ने। भैया कितना घंटा लगेगा? बाय अंकुर, बाय। एक ना